चलो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपांकर जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या पूरा मामला है, मामले पर जानकारी दीजिए पूरे। देखिए, ये जो इलाका है ये जिला कठुआ में जरूर पड़ता है, लेकिन पहाड़ी इलाका है, घने जंगलों का पिलावर बनी बसोली का इलाका है। दरअसल ये जो हमला हुआ ये लगभग 4 बजे के करीब हुआ है, जब सेना का एक बड़ी गाड़ी सेना की मूव कर रही थी। बशेड़ी इलाका बताया जाता है, यहाँ पर रूटीन अपने कॉन्वाई जो है रूटीन में मूव कर रही थी, और क्योंकि ये काफी फॉरेस्ट का इलाका है, यहाँ पर दोनों तरफ से आतंकियों ने पहले ग्रेनेड गाड़ी के ऊपर फेंके, फिर फायरिंग की, और जिसमें हमारे लगभग 7 से 8 जवान सवार इस गाड़ी में बताए जाते हैं। और ये जो आर्मी की गाड़ी है इसमें पहले तो ये 7-8 जवान सीरियसली इंजर्ड हुए, जिन्हें तुरंत वहां से स्थानीय हॉस्पिटल और फिर सेना के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, और अब ये जानकारी ऑफिशियली सामने आई है कि बिल्कुल। देखिए, फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, क्या इसके जरिए कोई सफलता अब तक मिल पाई है? नहीं, ये एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि लगभग आधे पौने घंटे तक वहां पर फायरिंग का सिलसिला चलता रहा। आसपास के इलाके में जो गांव वाले हैं उन्होंने कई सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस बनाए जिसमें फायरिंग का सिलसिला हुआ, लेकिन उसके बाद चलो तो ठीक है। फिलहाल लगातार ये जानकारी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आतंकी हमले में सेना के 6 जवान शहीद हो गए हैं, 6 जवान जिनकी जान चली गई है। सेना की गाड़ी पर हमला किया गया आतंकियों की ओर से, और इस हमले में 6 जवान शहीद हो गए जिनकी जान चली गई है। तो बेहद दर्दनाक यह हादसा, बेहद दर्दनाक ये मामला सामने आया। हालांकि जम्मू कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए ये बोलना गलत नहीं होगा कि यहाँ आतंकी काफी ज्यादा सक्रिय है। आतंकियों को लाख समझाने के बावजूद और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के बावजूद आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल 6 जवान शहीद हो गए हैं जिनकी गाड़ी पर आतंकी हमला किया गया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सर्च ऑपरेशन के जरिए आतंकियों की खोजबीन लगातार की जा रही है। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया, इसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। घटना लोही मल्हार ब्लॉक के मचहेड़ी क्षेत्र के बडनोटा गांव की है। मचहेड़ी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है, घायल जवानों का इलाज फिलहाल जारी है। आतंकियों ने सेना पर यह हमला तब किया जब पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम मचहेड़ी क्षेत्र में तलाशी ले रही थी। इस क्षेत्र भारतीय सेना के 9 कोर के अंतर्गत आता है। सर्च के दौरान आतंकियों ने उन पर गोलीबारी की, इलाके में और अधिक सुरक्षा बल फिलहाल भेज दिया गया है। ये 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 4 मई को पुंछ के शाह सितार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कॉर्पोरल विकी पहाड़ी शहीद हो गए थे और 4 अन्य जवान घायल हो गए थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर भारी फायरिंग की है। दोनों गाड़ियां सनाई टॉप जा रही थी, जिस दौरान यह हमला पहले भी हुआ था। तो वहीं देखिए, 2 दिन में ये सेना का दूसरा ऐसा वाक्या है, ऐसी घटना है जहां जवानों पर हमला किया गया। 7 जुलाई की सुबह आतंकियों ने राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में एक आर्मी कैंप पर हमला किया था, इसमें 1 जवान घायल हो गया। एक बार फिर से हमारे संवाददाता दीपांकर जुड़ गए हैं। दीपांकर, अपडेट आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, फिलहाल ये अब तक 2 आतंकी हमले हो चुके हैं, 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं, 4
शहीद हो गए। जी हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, और जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि इस ये जो आर्मी की बड़ी गाड़ी है अक्सर इसमें 8, 10 या 12 जवान जो है वो मूव करते हैं, और इसी तरह का कुछ आज मशेडी जो इलाका है वहां पर बिलावर तहसील जो पुलिस का इलाका है वहां पे हुआ, और आतंकियों ने जिस तरह से घात लगाकर ये हमला किया लगभग 4 बजे के करीब, और दोनों तरफ से ग्रेनेड्स फेंके गए, उसके बाद लगातार फायरिंग जो है वो हुई है। ऐसे में अभी तक की जो अपडेट है वो ये कहती है कि 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 5 से 6 जवान हमारे जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, और ये वाकई में एक चिंता का विषय है क्योंकि 9 जून को रियासी में हमला हुआ था, उसके बाद डोडा जिला में 2 जगह पर हमले हुए, उसमें भी कई जवान जो है वो सीरियसली इंजर्ड हुए, और उसके बाद आपने देखा कल ही रजौरी में कैंप पर हमला हुआ था, जवान में इंजर्ड हुआ था, और लगातार आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। विधानसभा चुनावों की बात कही जा रही है, सबसे पहले तो हम शहादत को नमन करेंगे आपकी ओर, लेकिन फिलहाल सुनवाते हैं ये बीजेपी नेता आरपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। That's why this new area which has been opened by the Pakistan occupied terrorists being sent from Pakistan occupied Kashmir are through this region now, and army has to do the needful, and I'm very very hopeful that army will do whatever is required to curb this new influx of terrorism in Jammu region. दीपांकर दोबारा आपकी ओर रुख करते हुए अब आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए आतंकी हमले लगातार दीपांकर काफी ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को बेशक से सतर्क जरूर किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ये आतंकी लोगों के बीच रहकर उनकी तरह बनकर हमारे देश के नागरिकों पर तो हमला कर ही रहे हैं, साथ ही जवानों पर लगातार हमला किए जा रहे हैं, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब भी इस पर अंकुश लगा पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, और मैं आपको ये बताता चलूं कि कठुआ का हीरानगर का इलाका जहां पर 12 जून को इन्फिल्ट्रेट किए हुए 2 आतंकियों को हमने मार गिराया था और एक सीआरपीएफ का जवान हमारा शहीद हुआ था, ये इनिशियल जानकारी है कि उसी हीरानगर के इलाके से ये जो एक नया ग्रुप है ये इन्फिल्ट्रेट 2-3 दिन पहले घुसपैठ करके हमारे इलाके में आया हो सकता है, वहां से ये कठुआ का जो पहाड़ी इलाका है बनी वसूली से होते हुए ये बिलावर का ये जो मशीडी का पहाड़ी इलाका है वहां तक ये पहुंचे हैं, और आते ही जिस तरह से इन्होंने आर्मी कॉन्वॉय पर हमला कर दिया है ये वाकई एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए बहुत ही चिंता की बात है। अमरनाथ यात्रा चल रही है उसकी सुरक्षा प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे लगातार हमारे सुरक्षा बल जो है वो यात्रा भी एक तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से तमाम इलाकों में डोडा में हमले हुए हैं एक महीने में, हमने देखा रजौरी में हमले देखा, रियासी में 9 जून को एक बड़ा हमला हुआ था, उसके बाद अब कठुआ जिला में दूसरा ये बड़ा हमला है, इससे पहले हमला जो है वो हीरानगर में हुआ था और दूसरा हमला ये बिलावर के मशीडी में हुआ है, बाकी चारों तरफ अगर इसी तरह से हमले जो है वो आतंकी गुट करते रहे तो ये बड़ी चिंता का विषय एक बार फिर से केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की एजेंसियों के लिए बनते जा रहा है।